हरिद्वार में भाजपा कार्यालय में पार्टी का दामन थामने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई है। सभी कांग्रेस और बसपा का साथ छोड़कर भगवे रंग में रंगने आए कार्यकर्ताओं को सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद ने कहा कि पूरा उत्तराखंड भगवा रंग में रंगने जा रहा है, आने वाले 10 साल बीजेपी के हैं। तो वहीं कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले सचिन कुमार मुखिया ने कहा है कि पिछले 7 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे थे, लेकिन पार्टी के नेताओं की लापरवाही और अनदेखी के कारण पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। आप देख रहे हैं कि कितना जोश है और बीएसपी और कांग्रेस तो लगभग इस जिले में अधिकांश सब लोग सैकड़ों ने हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के और मंडल स्तर के बहुत सारे पदाधिकारियों ने, सैकड़ों लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। ऐसे बीएसपी के भी जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीएसपी छोड़कर आज बीजेपी को ज्वाइन किया है। हम लोगों को 7 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर हो चुके थे, 7 साल तक मैं कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में कार्य कर रहा था, और अभी कुछ नेताओं की अनदेखी के कारण और लापरवाही के कारण हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया है, और उसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।